نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بچوں كيسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر اور عافیت سے ہوں گے. आइए आज हम आयत नंबर 29 देखें सूरह यासीन की, कि अल्लाह सुभान व तआला इसमें अब आगे क्या फरमाते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फइज़ाहुम खामिदून. हमने पिछली आयत में देखा था कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे थे कि अब जबकि उन्होंने उस शख्स को मार दिया जो ईमान लाया था और अल्लाह सुब्हान तआला के रसूलों का भी इनकार कर चुकी थी वो कौम, अब अल्लाह तआला को किसी भी लश्कर की भेजने की ज़रूरत नहीं थी. उनको सज़ा देने के लिए अल्लाह तआला ने कोई ऐसा तरीक़ा मुकर्रर नहीं किया था, बल्कि इस आयत में अल्लाह तआला फरमाते हैं इन ना कानत थी वो इल्ला मगर सैहतन चिंगार वाहिदतन एक ही फ़ाइदा तो यकायक हम वो खामिदून सब बुझ कर रह गए. यानी अल्लाह ताला ने जो उनको अज़ाब देने का फ़ैसला किया वो कैसे किया कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बहुत ही बुलंद सी चीख को भेजा, एक बहुत बुलंद चीख उनको सुनाई दी. यानी बुलंद आवाज़, चीख क्या होती है, बहुत बुलंद सी आवाज़ उनको सुनाई दी और वो जैसे ही चीख उनके कानों में पड़ी वो वहीं के वहीं मर गए. जो जहाँ था वो वैसे ही मर गया, जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि सब बुझ के रह गए, यानी सब ख़त्म हो गए, सब मर गए और कोई भी उनमें से नहीं बचा. आयत 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन. या हसरतन, हाय अफसोस, अलल इबाद बंदों पर, मा नहीं, यातीहिम आया उनके पास, मिर रसूलिन कोई रसूल, इल्ला मगर कानू थे वो बिही उसका यस्तहज़िऊन वो मजाक उड़ाते. तो यहाँ पे अल्लाह सुबहाना ताला इंसानों की एक ऐसी आदत की बात कर रहे हैं जो कि बहुत अफसोस की बात है, जो कि बहुत बुरी आदत है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, कि अफसोस है बंदों पर कि जब भी उनके पास कोई रसूल आता है. रसूल कौन? जो अल्लाह का मैसेज लेकर आता है, जो हक बात लेकर आता है, जो सही और दुरुस्त बात बताता है. तो जब भी किसी के पास आता है, किसी कौम के पास आता है, कुछ लोगों के पास आता है सही बात बताने के लिए, हक बात बताने के लिए, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी बात को सीरियस ही नहीं लेते, उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं, उसके मुख्तलिफ जो नाम रख लेते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है उसकी इंसल्ट करते हैं. और ये अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि ये बंदों पर अफसोस का मुकाम है कि वो इस बात को समझते नहीं है कि ये अल्लाह का रसूल है, तो उसकी बात को संजीदा लिया जाए, उसकी बात को गौर से सुना जाए. ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है. तो इंशाल्लाह ताला हमने अपने अंदर इस आदत को नहीं लेकर आना. जब हमें हक बात पता चले, जब हमें सच बात पता चले और जैसे हमें कुछ सच बात बताए तो हमें फौरन मान लेना चाहिए कि हाँ ये बात सही है, ये दुरुस्त है और मैं इस पर इंशाल्लाह अमल करूँगी या अमल करूँगा. ठीक है, अल्लाह ताला फिर आगे जो है गौर फिक्र की दावत दे रहे हैं कि इसको हम सोचें. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. أَلَمْ كَيَا نَهِي يَرَوْا, उन्होंने देखा, कम कितने ही, أَهْلَكْنَا हलाक कर दिए हमने, قَبْلَهُمْ उनसे पहले, مِنَ الْقُرُونِ उम्मतों में से, أَنَّهُمْ बेशक वो, إِلَيْهِمْ तरफ उनके, لَا يَرْجِعُونَ नहीं वो लौटेंगे. यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान को चाहिए कि वो गौर व फिक्र करे, वो अपने आसपास की कायनात को देखे, तो वो चीज़ों का मुशाहिदा करे, उनको देखे, उनको ऑब्ज़र्व करे और देख के फिर अल्लाह ताला को पहचाने, अल्लाह ताला को जानने की कोशिश करे. तो कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि इससे पहले भी तो कितनी कौमें हैं जिनको अल्लाह ताला ने हलाक किया है ना, इससे पहले भी तो कितनी ही कौमें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अजाब भेजा है,
लोगों ही में से थे कि वो लोग जो हैं अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में भेजा, नेमतें दी, फिर उन पे रसूल भी भेजे लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह सुबहान ताला ने क्या किया कि अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, तमाम पैगाम पहुंचाने के बावजूद वो नहीं माने, तो अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम को, पूरी की पूरी बस्ती को अजाब भेजा और पूरी बस्ती को ख़त्म कर दिया, और बेशक वो उनकी तरफ नहीं लौटेंगे। यानी एक दफ़ा वो इस दुनिया से अब चले गए हैं तो अब वो वापस लौट के थोड़ी आएंगे कि उनका अमल सही हो सके। तो उनको तो उसी वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए था, जो वक्त अल्लाह ताला ने अता किया था, जो मोहलत अल्लाह ताला ने दी थी उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि जब अल्लाह सुबहाना ताला के ज़रिए से हमें कोई अल्लाह ताला किसी बंदे से भी मिलवाए जो सच बोलने वाला हो, जो सच का पैगाम देने वाला हो, जो हमें अल्लाह की तरफ जोड़ने वाला हो, तो उसकी बात को मान लेना चाहिए फौरन, और फौरन अल्लाह से जुड़ जाना चाहिए और इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमने हर वो काम करना है जो अल्लाह ताला को पसंद है, और इसके लिए दुआ भी मांगी जाती है। दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक वरज़ुक्ना इत्तिबाअह وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، कि अल्लाह ताला हमें सच को सच करके दिखा और जो गलत बात है, जो झूठ बात है, वो हमें झूठ दिखा और हमें उसी की पैरवी करने वाला बना जो सच है, यानी सच को फॉलो करने वाला बना। तो हमें ये दुआ कसरत से मांगनी चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला से जुड़े रह सकें इंशाअल्लाह ताला। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।